कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में चुनाव हारने के बाद मंथन कर रही है। ऐसे में तमाम बदलाव लगातार किए जा रहे हैं। पार्टी ने कुछ दिनों पहले ही राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ भी मीटिंग की थी, लेकिन उनके साथ बात नहीं बनी। इसके बाद कांग्रेस ने उदयपुर में चिंतन शिविर का भी आयोजन किया। तमाम बड़े कद के नेता पार्टी का दामन लगातार छोड़ रहे हैं। ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि पार्टी रणदीप सुरजेवाला की जगह जयराम रमेश को कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दे सकती है। साथ ही अजय माकन को इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया जा सकता है। बता दें कि फिलहाल मधुसूदन मिस्त्री इलेक्शन में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। बता दें कि आज ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने अपनी पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थन से बुधवार को राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया। कपिल सिब्बल ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में नॉमिनेशन दाखिल किया। इस दौरान अखिलेश यादव के अलावा सपा सांसद राम गोपाल यादव भी मौजूद थे। इसे ठीक एक हफ्ते पहले कांग्रेस की गुजरात इकाई की कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे गए त्याग पत्र को ट्विटर पर पोस्ट कर यह जानकारी दी थी कि वे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।